ध्यान से देखना, पूरी यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, पूरी यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ग्राफ। मैं डिराइव कर रहा हूं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच फ्रॉम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ADAS अप्रोच से डिराइव कर रहा हूं SI अप्रोच। पहले हमने बचपन में सीखा था डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, ये बड़ा भाई है उसका। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो अगेन दो पार्ट्स में ग्राफ बनेगा, एक होगा अपर हाफ और एक होगा लोअर हाफ। एक हो गया अपर हाफ और एक हो गया लोअर ध्यान से देख। वाई एक्सेस ओरिजिन, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नेगेटिव वाई एक्सेस ओरिजिन, एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे क्या शो कर रहे हैं? लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। अब ध्यान से देखना बेटा, कहानी गंभीर होने वाली है, मजेदार, साथ बने रही। तो सबसे पहले बनाएंगे AS कर्व। सबसे पहले क्या बना देंगे? AS कर्व। इसमें तो गलती होना मुश्किल है, कोई इसको भी टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हैं। ध्यान से देखना, AS कर्व 45 डिग्री लाइन। दूसरा बनाएंगे, आप सब एक ही कलर से करेंगे, मेरे को ऑप्शन है तो मैं मजे ले रहा हूं। कंजम्पशन को तीसरा बनाएंगे क्या? AD, AD कर्व विल बी पैरेलल टू द कंजम्पशन कर्व, यस और नो? यस सर। ये हो गया ADBC, AD। ठीक है, AD क्या होता है? C+I। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? I, ठीक है ना? यस और नो, इसमें कोई डाउट? तो इसको आप I भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो बेटा, अब कहानी बहुत ही मजेदार। स्टार्टिंग पॉइंट ये क्या है? सी। ओरिजिन से क्यों नहीं शुरू हो रहा? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जीरो लेवल पे जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जीरो लेवल पे जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है एग्जैक्टली सेम मेजर करके, अब मेरे को तो मतलब अंदाजे चलना पड़ेगा, आप स्केल से प्लीज एग्जैक्टली मेजर करेंगे तो वो हो जाएगी डिस सेविंग माइनस सी बार, पहला पॉइंट। अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना ये गैप है, जितना गैप है AD और C में, जितना गैप है AD और C में, उतना आप ले लेंगे इन्वेस्टमेंट, उतना आप क्या ले लेंगे? इन्वेस्टमेंट। जो भी गैप है AD और AS में, एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट होनी चाहिए, तभी आपका ग्राफ सही बनेगा। तो मेरी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है क्योंकि मैं अंदाजे पे चल रहा हूँ, आप स्केल से मेजर करके करेंगे और जितना बड़ा होगा उतना परफेक्ट और नीट होगा। ये कहाँ से आया डिस्टेंस? ये AD और C के बीच वाला है। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? क्या है ये? हाँ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से देखना, अभी आपके पास एक ही पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट ये क्या है? सी इज इक्वल टू वाई ऑटोनॉमस, ये अपना ब्रेक इवन पॉइंट। तो एट ब्रेक इवन पॉइंट एस इज इक्वल टू जीरो, तो पहला परपेंडिकुलर कौन सा कलर यूज नहीं हुआ?
चलो, पहला परपेंडिकुलर, व्हेन सी इज इक्वल टू वाई, एस इज इक्वल टू 0, यस और नो? एट दिस पॉइंट एस इज इक्वल टू 0, एंड व्हेन ए डी इज इक्वल टू एस, ए डी इज इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू आई, इक्विलिब्रियम क्या है? ये इक्विलिब्रियम है ना, ए डी इज इक्वल टू एस, तो थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू आई, क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू आई। तीन पॉइंट्स पकड़ने हैं आपने, तीन पॉइंट्स पकड़ने हैं। पहला, ऑटोनोमस कंजम्पशन विल बी इक्वल टू डिस सेविंग। दूसरा, ब्रेक इवन पॉइंट, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम विल बी इक्वल टू एस इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट, ए डी इक्वल टू एस विल बी इक्वल टू एस, इक्विलिब्रियम तो दोनों सेम लेवल पे ही होंगे ना। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका? सेविंग कर्व। क्या आ जाएगा आपका? सेविंग कर्व। ध्यान से देखना। अबे भाई बस कर, ध्यान से देखना बेटा, अगर आप एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लेंगे ना तो ही ये सेम लाइन पे आएंगे। अगर आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट ली होगी तो ही ये सेम लाइन पे आएंगे, नहीं आ रहे तो आपने कोई ना कोई वायलेशन कर दी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिस सेविंग के बराबर नहीं है, एडी और सी में जितना गैप था इन्वेस्टमेंट आपका उतना नहीं है। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखोगे तो ये तीनों सेम लाइन पे ही आएंगे। तो ये क्या आया? सेविंग कर्व। क्या है ये? सेविंग कर्व। अब ध्यान से देखना, लॉजिक समझ आएगा तो आपके लिए बहुत इजी है। अब ये क्या है? ये है आपका इक्विलिब्रियम। बिफोर इक्विलिब्रियम ए डी इज ग्रेटर देन एस, तो यहां पे क्या है? सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो व्हेन प्लान्ड सेविंग्स आर लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स, तो इकोनॉमी में वही सब होगा जो ए डी ग्रेटर देन एस में हो रहा था, आउटपुट को बढ़ाया जाएगा। और जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हैं तो इकोनॉमी में वही सब होगा जो ए डी लेस देन ए एस पे हो रहा था। तो ग्राफ से रिलेट कर पाओगे तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन बार बार याद नहीं करनी। लेकिन जब प्लान सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है तो आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में बातें करनी है, तो ध्यान से सुनेंगे। पहली बात ये समझ आ गया कि कैसे रिलेट करना है ए डी ग्रेटर, तो आंख बंद करके कि लेफ्ट हैंड साइड ए डी ग्रेटर देन ए एस, इनिशियली ए डी ज्यादा होता है, ए डी ग्रेटर देन ए एस तो आउटपुट बढ़ेगा, तो अगर आपका नेट रिजल्ट में आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ रही, तो कुछ गलती कर रहे हो। तो व्हेन प्लान सेविंग्स आर लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट तो इनकम विल राइज, और व्हेन प्लान सेविंग्स आर मोर देन प्लान इन्वेस्टमेंट इनकम विल फॉल, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट विल फॉल। हाउ? अब उस पर बात करते हैं। ग्राफ समझ आ गया, बनाना आना चाहिए, एक एक करके बात करते हैं। व्हेन प्लान सेविंग्स आर लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट्स, व्हेन प्लान सेविंग्स आर लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट्स, हाउस होल्ड दे आर प्लानिंग टू सेव लेस देन व्हाट द प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेटेड, दे आर प्लानिंग टू सेव लेस, हु हाउस होल्ड आर प्लानिंग टू सेव लेस देन व्हाट द प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेटेड। इफ दे आर प्लानिंग टू सेव लेस, इसका मतलब दे आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर, बिकॉज ऑफ विच एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इनिशियली हाउस होल्ड आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर देन वॉट द प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेटेड। आपने सोचा था कि इनकी डिमांड होगी 200 और डिमांड थी 500। द हाउस होल्ड आर प्लानिंग टू सेव लेस, इसका मतलब दे आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर देन वॉट, देन वॉट द प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेटेड, तो द लेवल ऑफ इन्वेंट्री विल फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल, तो दे विल इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज एम्प्लॉय मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इनकम विल स्टार्ट, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट विल स्टार्ट राइज। समझ आई बात? एंड व्हेन प्लान्ड सेविंग्स आर मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर्स आर प्लानिंग टू सेव मोर, इसका मतलब दे आर कंज्यूमिंग लेस देन व्हाट द प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेटेड, अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ता जा रहा है तो लेवल ऑफ आउटपुट कम कर, नेट रिजल्ट उनका सेम ही होगा बट लैंग्वेज
खेल होगा लैंग्वेज का, कि आपको उस चीज को एक्सप्लेन कैसे करना है। तो ध्यान से देखेंगे, मैं सीधा इस पे आ रहा हूं कि व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर नॉट इक्वल। व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, तो इनिशियली ठीक है, वैसे तो मतलब डिस्कस करते हैं। व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, ये है सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, तो ये टू द राइट हैंड साइड है। ए डी इज लेस देन ए एस, तो इनकम गिरनी है ना। व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, इफ प्लान सेविंग इज मोर देन प्लान इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स हाउस होल्ड आर नॉट कन दे आर सेविंग मोर, इसका मतलब दे आर कंज्यूमिंग लेस, दे आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू, एंटिसिपेटेड देम टू। एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री राइजेस अबव द डिजायर्ड लेवल टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री फर्म वुड। तो वो तो सेम ही होगा ना, स्टेप्स सेम लिए जा रहे हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, इफ प्लान सेविंग इज एस, ठीक है जी, इट मीन्स हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर एंड सेविंग लेस देन व्हाट द फर्म्स एंटिसिपेटेड, एज अ रिजल्ट प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल फर्म्स वुड प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टिल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम इक्वल टू ईच अदर। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, समझ आई बात, क्लियर है ना? तो कैलकुलेशन, अब जैसे इनकम है, अगर आपके पास इनकम कंजम्पशन है, सेविंग है, तो एक एक करके बात करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब कंज्यूमिंग मोर देन व्हाट द प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेटेड, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाएगी, बढ़ाई जाएगी, बढ़ाई जाएगी। वो सेम हो रहा है, वो सेम हो रहा है कि व्हेन प्लान सेविंग इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट, तो जो एडी ग्रेटर देन एएस में हो रहा था वही हो रहा है। एंड व्हेन प्लान सेविंग इज मोर देन प्लान इन्वेस्टमेंट, तो जो एडी लेस देन एएस में हो रहा था वही हो रहा है। तो इसीलिए एक बार ग्राफ समझ आ जाएगा तो बस आपको आंख बंद करनी है, और इतना अच्छा प्लान सेविंग लेस तो एडी ग्रेटर देन एएस, तो फिर एक समझेंगे दूसरे पे अप्लाई करेंगे। ग्राफ परफेक्ट होना चाहिए, ग्राफ परफेक्ट होना चाहिए, प्लॉटिंग अच्छे से आनी चाहिए। ओके, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।